हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रांसफार्मर में यूज होने वाले एक प्रोटेक्टिव डिवाइस ब्रीदर के बारे में। आखिर ये ब्रीदर क्या है और ये ब्रीदर जो है लगाने का क्या पर्पस है, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल डेटा जो है आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंत में। तो गाइस, वीडियो को प्लीज शुरू से अंत तक देखें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ब्रीदर क्या है। तो गाइस, ये ब्रीदर जो है एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है और जिसके अंदर सिलिका जेल का यूज किया जाता है, और ये ब्रीदर के नीचे की तरफ जो है एक पॉट का यूज किया जाता है जिसमें ऑयल फिल्ड होते हैं। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ ब्रीदर के लोकेशन के बारे में। तो ये ब्रीदर जो है कंजर्वेटर टैंक के एकदम टॉप में जो है लगा हुआ रहता है एक पाइप के थ्रू। गाइस, अब बात करते हैं आखिर कौन से ऐसे पर्पस है जिसके वजह से जो है ये ब्रीदर का जो है यूज किया जाता है। गाइस, ट्रांसफार्मर के अंदर यूज होता है ऑयल, और ये ऑयल जो है कंजर्वेटर टैंक के आधे तक जो है पूरा फिल रहता है। इस बात का ध्यान रखना है कि कंजर्वेटर टैंक तक जो ये ऑयल है ये हाफ फिल रहता है, पूरा फिल नहीं रहता है। अब गाइस, अगर हमारे ट्रांसफार्मर का लोड जो है धीरे धीरे इंक्रीज करता है तो उस ट्रांसफार्मर के लोड इंक्रीज होने पर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग्स होते हैं वो भी जो है हीटअप होना स्टार्ट होता है, जिसके वजह से हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल का यूज़ किया जाता है वो ऑयल भी धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट होता है, और जिसके कारण ऑयल जो है अपना डेंसिटी को इंक्रीज करता है, और उस डेंसिटी को इंक्रीज करने के कारण हमारे कंजर्वेटर टैंक में जो जिस लेवल पे हमारा ऑयल का लेवल रहता है वो अपने लेवल से थोड़े से ऊपर जो है चला जाता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर के अंदर का एयर जो है वो ब्रीदर के थ्रू जो है बाहर निकलता है। लेकिन गाइस, जिस टाइम हमारे ट्रांसफार्मर का लोड जो है कम जाएगा और जब हमारा वाइंडिंग्स जो है अपना टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करेगी तो ऑयल का टेम्परेचर भी जो है धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और ऑयल का टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो ऑयल जिस जगह पे एक्सपेंड किया था उस लेवल से जो है वो नीचे आ जाएगा। ऑयल का लेवल अगर नीचे आता है तो उस जगह को जो है फिलअप करने के लिए हमारे बाहर का जो नेचर का एयर है वो एयर हम ट्रांसफार्मर में यूज होने वाले ब्रीदर के थ्रू जो है वो एयर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर आएगा। गाइस, जब नेचर का एयर हमारे ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के थ्रू जब ट्रांसफार्मर में आता है तो वो ब्रीदर में जो है सिलिका जेल का यूज़ होता है, और सिलिका जेल का एक प्रॉपर्टीज़ ये है कि उसके थ्रू अगर कोई भी अगर एयर पास होता है उस एयर में कोई भी अगर मॉइस्चर हो तो उस मॉइस्चर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ये जो है एक सिलिका जेल का बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स है, या फिर आप प्रॉपर्टीज़ भी इसे कह सकते हैं। तो क्या होगा कि हमारे नेचर के एयर में जो भी मॉइस्चर वो जो है हमारे सिलिका जेल उसे एब्जॉर्ब कर लेगी और एक फ्रेश एयर जो है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो है जाएगा। गाइस, अब आपके मन में जो है एक सवाल आया होगा कि आखिर एक फ्रेश एयर ही जो है ट्रांसफार्मर के अंदर क्यों दिया जाता है। अगर हम लोग एक मॉइस्चर युक्त एयर अगर ट्रांसफार्मर के अंदर अगर दे देंगे तो इसमें जो है हम लोगों का ट्रांसफार्मर में जो है क्या प्रॉब्लम आएगा। तो गाइस, अगर कोई मॉइस्चर युक्त एयर ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है और अगर वो मॉइस्चर हम ऑयल के साथ रिएक्शन करती है तो वो ऑयल का जो इंसुलेशन लेवल है वो जो है धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, और अगर बहुत दिन तक इस तरह होते रहा तो हमारा जो ऑयल का इंसुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हमारे दो वाइंडिंग के बीच में जो है शॉर्ट सर्किट भी क्रिएट हो सकता है। तो गाइस, आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रीदर जो है कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारे ट्रांसफार्मर के लिए। अब मैं आपको जो है कुछ इंडस्ट्रियल डेटा बताता हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गाइस, अगर आपको डेली प्रिवेंट मेंटेनेंस लेना हो ब्रीदर पे तो आपको जो है डेली ब्रीदर के नीचे जो पॉट लगा हुआ होता है जिसमें ऑयल फिल्ड होता है आपको जो है हमेशा देखते रहना है कि उस पॉट में ऑयल जो है पूरा फिल है कि नहीं। अगर वो ऑयल जो है पूरा फिल नहीं रहेगा तो उस टाइम जो है प्रॉब्लम आ सकता है। आपको हमेशा वो ऑयल जो है पूरा फिल करके रखना है, क्योंकि नेचर का एयर है वो ऑयल के थ्रू भी जो है फिल्टर होते हुए वो सिलिका जेल के थ्रू भी फिल्टर होके वो फाइनल जो है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो है जाती है। दूसरा बात आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो सिलिका जेल है अगर वो पूरा डीप ब्लू कलर का है तो वो जो है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से वो जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन धीरे धीरे अगर सिलिका जेल का कलर पिंक कलर का हो जाता है तो वो सिलिका जेल जो है और एयर को मॉइस्चर नहीं कर पाती है, तो उस टाइम आपको जो है सिलिका जेल को चेंज कर देना है। अगर आप उस टाइम सिलिका जेल को चेंज नहीं करेंगे तो फिर से जो है मॉइस्चर युक्त एयर हमारे ट्रांसफार्मर में आ सकता है और हमारा ऑयल का जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन जो है धीरे धीरे डैमेज होता जाएगा। मैंने आपको अभी जो बताया ये पूरा जो है ब्रीदर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन डेटा था जो कि मैं आप सभी लोगों से शेयर किया। तो गाइज, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी पता चल सके कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं।
तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।